गुड इवनिंग, टाइम 3:57 PM, थर्ड अक्टूबर, मार्केट बंद हुई। हम लोग कहाँ पे बंद हुए? हम लोग बंद हुए एट 16,887.35, मतलब 16,900 के नीचे। तो क्या लग रहा है, कल गिरावट या कल बाउंस? देखो, ये 16,900 के नीचे जो हम लोग बंद किया है ना, इसका मतलब वीकनेस जारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही हम लोग गड्ढे में गिर जाए। हाँ, बियर मार्केट चालू है, 23 सितंबर से तो ज़रूर चालू है, लेकिन ये सीधा तो गिराएगा नहीं, ज़िगज़ैग चलेगा, बीच पे बाउंस आएगा। बाउंस में लोगों को फिर से बाय करने के लिए विश्वास दिलाया जाएगा, उसके बाद गिराया जाएगा। और सामने दिवाली भी है, पब्लिक गवर्नमेंट ये लोग नहीं चाहते कि दिवाली से पहले ही दिया बुझ जाए, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मार्केट थोड़ा स्लो चलेगा, ज़िगज़ैग चलेगा, लेकिन ऑन बाउंस ये नीचे ही गिरेगा। अब देखिए, क्लोज कहाँ पे हुआ, 16,887, मतलब ये 8 नंबर जो है ना, ये दो बार आ रहा है अभी, 8-4, ये सब क्या है? हाँ, 8-4 ये सब में थोड़ा बहुत खतरा है। ये सब नंबर 4-8 आपको भ्रमित करेगा, और भ्रमित का मतलब क्या है वो शायद कल ही आपको पता चल जाएगा। अब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या साइकोलॉजी 17,000 पे टिका हुआ है, आज गया था लेकिन 17,100 के ऊपर टिका नहीं, फिर से ऊपर गया था 17,050 के आसपास, जहाँ पे हम लोग बोले थे ना 17,000 के आसपास हम लोग शॉर्टिंग चालू करते हैं, गया था, लेकिन ना तो 17,116 टपका पाया, ना तो 17,200 जो हम बोले थे आज सुबह का वीडियो में, पहला वीडियो में, उधर भी जा पाया। और ऊपर से जब गिरी 17,050 के आसपास से, गिरता ही चला गया, अपना जो टारगेट है 16,900, 16,910, 16,920, सबको पार कर दिया, और आखिर में 16,900 के नीचे क्लोज किया। तो क्या लग रहा है भाई साहब, ये सेल ऑन राइज मार्केट है या बाय ऑन डिप का मार्केट है? यहीं पे तो 8-4 आपको भ्रमित कर देगा। वैसे मैं तो क्लियर हूँ, ये सेल ऑन राइज है, लेकिन सेल कहाँ करना है, काफ़ी ऊपर, कहाँ पे? ऊपर ऊपर का रेजिस्टेंस देख के, ताकि हम लोग अगर फंसे भी ज़्यादा नहीं फंसेंगे, मार के निकल ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नीचे बेचना बेवकूफ़ी है, और ज़्यादा नीचे बाई करना भी बेवकूफ़ी है। थोड़ा रुपी डॉलर पे बात करते हैं, अब कुछ देर पहले मैं देख रहा था रुपी डॉलर क्या है। रुपी डॉलर अभी 81.87 पे देख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ये 80 के ऊपर चला तो गया, अभी 81 के भी ऊपर जा रहा है। क्रूड ऑयल अभी देख रहा था मैं, क्रूड ऑयल 3.81% ऊपर है, और कॉमोडिटी मार्केट तो भाई साहब रात 11 बजे तक चलता है, मतलब असली खेल रात को है। ये जो क्रूड है ना, इसको कैसे खरीदते हैं भाई साहब, डॉलर देके खरीदना पड़ता है, तो डॉलर के अगेंस्ट में रुपी भी घट रहा है, और ऐसे क्रूड ऑयल का प्राइस भी ऊपर जा रहा है,
तब तो ये दो गाल पे दो थप्पड़ हो गया ना एक ही साथ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देश का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ने वाला है। वो बढ़ने से क्या होता है? वो बढ़ने से अपना रुपी के ऊपर और भी प्रेशर आ जाता है और आ भी रहा है। इसका मतलब हम लोग एक विशियस सर्कल के अंदर फंस चुके हैं। विशियस सर्कल मतलब चक्रव्यूह समझ लीजिए। चक्रव्यूह का सबसे बड़ी एग्जाम्पल महाभारत में मिली थी ना। अभिमन्यु का क्या दुर्दशा हुआ था? चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गए, लड़ाई भी बहुत की, कोशिश भी बहुत की, लेकिन बचा नहीं। अब ये चक्रव्यूह के अंदर अपना बुल बाबू जो है ना, बुल, वो घुस चुके हैं। चाहे जितना भी लड़ाई कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, युद्ध जीत के निकल नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो, कभी कभी ऊपर जाएगा, लॉस कम कर सकते हो, ट्रेड घुमा भी सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में आ गया ना बाय ऑन डिप करके ही मैं इस साल और अगला साल निकाल लूँगा जैसे 2020 से करते आए हो, वो अभी चलने वाला नहीं है। ये जो गुरु मंत्र है ना, बाय ऑन डिप, ये अभी सबसे बड़ा शाप बनने वाला है। मैंने एक टारगेट दिया है ना 23 दिसंबर तक, जो काफ़ी नीचे है। हो सकता है उससे पहले मार्केट थोड़ा रुक जाए नीचे जाते जाते, हो सकता है करेक्शन या क्रैश इस साल पूरा भी ना हो, हो सकता है दिसंबर में थोड़ा बहुत मार्केट को दिसंबर और जनवरी में बचाया जाए, उसके बाद फिर से पिटाई चालू 1 फरवरी से या 1 वीक ऑफ फरवरी से, ये भी तो हो सकता है। मतलब चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुके हो आप लोग, बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। और हम लोग सेल ऑन राइज ही करते जाएंगे। मैं अभी रिव्यू कर रहा था अपना ट्रेड्स, निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड्स अगस्त और सितंबर का। हम लोग भारी प्रॉफिट में है, बहुत भारी प्रॉफिट में है, और आज तो आप जानते ही हो, आज भी प्रॉफिट बुक किए हैं और कोई पोजीशन कैरी नहीं किए हैं। और ये 2 महीना में सिर्फ 2 ही स्टॉप लॉस हुआ है अपना। मतलब 90% एक्यूरेसी। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे काम करते हैं, लेवल के लिए वेट करते हैं, उसके बाद एक लॉट निफ्टी फ्यूचर से शुरू करते हैं और 3-4 लॉट का निफ्टी फ्यूचर का पैसा रिजर्व में रखते हैं। इसीलिए ना हो पाया, डायरेक्शन पकड़ में आया, फेज वाइज शॉर्ट बिल्डअप किया, तभी ना हो पाया। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट, धीरे धीरे चलो, डायरेक्शन के साथ चलो, मार्केट जो चाह रहा है वही करो, मार्केट में मन में क्या है वो पता करो, मार्केट में मन के जो है वही करो, सिंपल कॉपी या पेस्ट। हीरोगिरी मत दिखाओ, मार्केट के अगेंस्ट में मत जाओ, पेल दिए जाओगे। वैसे मार्केट चलाते कौन लोग हैं? मार्केट चलाते तो हैं बड़े बड़े फिनेंशियल हाउसेस, चाबी तो फिनेंशियल हाउसेस के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, और थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वाला के पास है। अब ये जो FII है ना, ये जो FII है, इनका ट्रेड कौन करते हैं? कोई इंसान करता है क्या बैठे बैठे आप और मेरे जैसे? नहीं, इनके पास बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है भाई साहब, रियल टाइम में बहुत सारे रिपोर्ट निकाला जा सकता है। आपका पोजीशन क्या है, क्लाइंट का पोजीशन क्या है, प्रो का पोजीशन क्या है, वो लोग यू ही निकाल लेगा, उसके बाद जाल बिछाएंगे और उसके बाद बटन दबा देगा,
आप लोग मर ही जाओगे। और ये उनका एल्गो जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, वो करता रहता है 24/7। तो आप लोगों का कंपटीशन है किसके साथ? कोई इंसान के साथ नहीं है, वो मशीन के साथ है। आप लोग जो स्टॉप लॉस पंच करके रखते हो ना, या टारगेट पंच करके रखते हो ना, ये भी पढ़ लिया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स, जो उनके पास है, अपने पास नहीं है। इसीलिए ये सब पंच करके मत रखो, कागज़ में लिख के रखो, जैसे ही आ जाएगा तुरंत एक्शन ले लो। और हाँ, मंथ टू मंथ, डे टू डे FIR का फ्यूचर इंडेक्स का पोजीशन और ऑप्शन का पोजीशन देखते रहना। इंडेक्स में इनका भारी हेजिंग के साथ काम चलता है। इनका जो हेजिंग का स्ट्रेटेजी है, ये अगर आप समझ जाओगे, मतलब सिर्फ डेटा देख के तो नहीं समझोगे, उसके साथ प्राइस एक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। और उसके साथ अगर डेट और टाइम का सहायता आपको मिला, डेट और टाइम और एक सब्जेक्ट है, आपको प्राइस के साथ डेट और टाइम भी मैच करना पड़ता है, और FII क्या कर रहे हैं वो भी दिमाग में रखना पड़ता है। वो तीनों मैच करोगे ना, आपको कोई मशीन हरा नहीं पाएगा। हाँ जी, मैं ये सब करता हूँ, रातों रात जग के ये सब सोचता रहता हूँ और करता भी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना तो बोल सकता हूँ कि अच्छा चल रहा है। अगस्त सितंबर बहुत ही बढ़िया गया, बियर मार्केट आ चुका है, सेल ऑन राइस का मार्केट है। फॉलो करते रहिए मेरे को, लॉजिक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कागज़ में रिकॉर्ड लिखते रहिए, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। कोई भी काम जो है, अच्छा सा काम, होने में टाइम लगता है। एक ही बार में तो हीरो नहीं बनोगे। अच्छा, अब तो रहा मार्केट का बात, अब बात करते हैं कुछ और। ये स्टॉक मार्केट, पहला स्टॉक मार्केट कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? मेरा जितना जानकारी है, फर्स्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड खुला था 1571 में लंदन में, जिसका उद्घाटन किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, 1571। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन बाय द क्वीन हर्सेल्फ। अब ये ब्रिटिश वाला जो है, ये तो बहुत बुद्धिमान लोग के हिसाब से जाना जाता था, जाते थे, और अभी भी जाना जाता है। तो ये लोग स्टॉक एक्सचेंज क्यों खोले थे? इसका जवाब मैं एक ही सेंटेंस में दे देता हूँ, सुनने में खराब लग सकता है, ताकि लीगली आपका पैसा वो हड़प के अपना पॉकेट में डाल पाए। इसलिए स्टॉक मार्केट में तो आप लोग अपने मन बना के आए हो, जो पैसा लॉस करोगे जाहिर है वो पैसा किसी का गेन हुआ होगा। कहते हैं ना, इट्स अ जीरो सम गेम, जिसका लॉस है किसी का तो फायदा है, जिसका फायदा है किसी का तो लॉस है, वही सही है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पॉकेट से पैसा लीगली अपने पॉकेट में डाल देने का। और ब्रिटिश का काम क्या था? वही तो था ना, सारा पृथ्वी पे घूमे, इधर उधर लूट मार किया, और जहाँ जहाँ गए वहीं पे स्टॉक मार्केट ये लोग एस्टेब्लिश करते गए। बंदूक दिखा के भी पैसा निकाला और लीगली भी आपके पॉकेट से पैसा निकाला। अब ये खेल बाकी सब सरकारों को सीख में आ गया है। अब सब लोग स्टॉक मार्केट चलाते हैं, और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सब है उनके पास भी लाइसेंस है आके अभी भी लूट करने का आपको। तो लोग आते हैं, आपको लूट करते हैं, देश का पैसा जो है बाहर लेके चले जाते हैं लीगली, और इनके साथ हम लोगों को कॉम्पीट करना पड़ता है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग लूट जाए,
लेकिन हम लोग ऐसा अभी होने नहीं देंगे, ये खेल समझ में हम लोग को आ गया है। फिर भी मार खाते हो, क्यों खाते हो? ज्ञान की कमी है बोल के, है ना? तो ये चैनल देखते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, सालों साल प्रैक्टिस करते रहो, और एक दिन आएगा तुम ये FII का बाप भी बन जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है इस चैनल में और बाकी बहुत सारे चैनल है, हो सकता है हम लोग सब इकट्ठा होके ऐसा ट्रेड करने लगे कि कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल में परिस्थिति हो सकता है। मतलब जो लोग मार्केट को मैनिपुलेशन करने में विश्वास रखते हैं, हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू सी। तो फ्रेंड्स, आज तो कोई पोजीशन लेके नहीं गए क्योंकि मार्केट आगे आपको भ्रमित करने वाला है। 16,900 के नीचे जो क्लोज किया है, और करेंगे भी कल शायद, लेकिन सेल ऑन राइज में रहना। आशा करते हैं कि ये चैनल देख के, लाइव ट्रेड देख के, लाइव कॉल देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, फॉलो कर पा रहे हो, दूसरे लोगों को रिकमेंड करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करते रहना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और भाई साहब, ये सब करने में तो कोई पैसा किसी का खर्चा हो नहीं रहा है, तो मेरा विश्वास है आप लोग ज़रूर मेरा ये रिक्वेस्ट रखोगे। शेयर करो, ज्ञान शेयर करो, खुद का ज्ञान भी बढ़ेगा, देशवासी का ज्ञान भी बढ़ेगा, और देशवासी आत्मनिर्भर भी बनेगा। ठीक है, चलता हूँ, नमस्ते, कल फिर से मिलते हैं।